हेलो एवरीवन, सिविल स्टैप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह हमारे जिज्ञासा सीरीज का 74th लेक्चर है। इस सीरीज में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जो आपके आने वाले प्रीलिम्स 2019 के लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। इस पूरे लेक्चर को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप करंट अफेयर्स की तैयारी काफी आसानी से कर पाएंगे और काफी सरलता से उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। इस सीरीज के जो सोर्सेज यूज किए जाते हैं वो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइवमिंट और PIB। इनके जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं उससे हम एमसीक्यूज बनाते हैं और आपके सामने लेकर के आते हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstaff.com पे विजिट करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां से इस पूरे लेक्चर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपका पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। जो पहला पेयर है मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह तमिलनाडु के साथ पेयर किया गया है। दूसरा है नागरहोल नेशनल पार्क, यह केरला के साथ पेयर किया गया है। और तीसरा है बांदीपुर नेशनल पार्क, यह कर्नाटका के साथ पेयर किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। अगर आपको पता है कि जो पहला है मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह तमिलनाडु में है तो आपका ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाता है, जो कि सही भी है। जो सेकंड है नागरहोल नेशनल पार्क, यह केरला में नहीं है, यह कर्नाटका में है। तो अगर सेकंड गलत है तो आपका ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ थ्री के बारे में सोचना है, बांदीपुर नेशनल पार्क यह आपका कर्नाटका में है, तो बिल्कुल सही है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाता है बी, 1 और 3। इसके डिटेल को समझते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि नासा के फायर इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ने हाल ही में बांदीपुर नेशनल पार्क में 32 फायर इंसिडेंट डिटेक्ट किया है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। नासा का जो यह रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है यह रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फायर एक्टिविटीज से रिलेटेड, तो इसे आपको ध्यान रखना है। यह 2 सैटेलाइट से डेटा लेता है, नासा का जो मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर है उससे, दूसरा विजुअल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर जो सूट है उससे। तो ये दोनों सैटेलाइट से डेटा लेता है 3 आवर्स के गैप पे और रियल टाइम फायर इंसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। मैप में बांदीपुर टाइगर रिजर्व का लोकेशन देखते हैं, यह है बांदीपुर टाइगर रिजर्व और इसी के पास में है नागरहोल टाइगर रिजर्व, तो इसे आपको ध्यान रखना है। फिर यह है मधुमलाई टाइगर रिजर्व, यह तमिलनाडु का बॉर्डर यहां से शुरू हो जाता है और यह कर्नाटका है और यह भी कर्नाटका है। फिर है वे वांद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे भी आपको ध्यान रखना है। ये चारों मिलकर के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी से सवाल पूछ सकती है, यहां से यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि नॉर्थ टू साउथ आपको नागरहोल, बांदीपुर और मधुमलाई को अरेंज करने के लिए, तो यूपीएससी ऐसे सवाल भी बना सकती है कि अगर आप नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो कौन पहले आएगा, या कुछ भी हो सकता है साउथ टू नॉर्थ जाएंगे तो कौन पहले आएगा। इसके आसपास भी टाइगर रिजर्व है, उसे भी आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं बिटिया टाइगर रिजर्व है, फिर कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इन सबको आप ध्यान रखें। साथ ही साथ नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है और यह बांदीपुर नेशनल पार्क के जस्ट बगल में है। एक नुगु रिवर भी बहती है, वो पूरे बांदीपुर टाइगर रिजर्व से बहती है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क है यह डक्कन पेलुटी और वेस्टर्न घाट जहां मीट करते हैं वहां से शुरू होता है। और हमने अभी डिस्कस किया कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें 4 चीजें हैं, नागरहोल नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, वेवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका बांदीपुर नेशनल पार्क, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसका जो बायोमास है वो बहुत अलग अलग है, यहाँ ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट भी है, मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट भी है, उसके अलावा सर्व लैंड्स भी हैं, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है बिकॉज यूपीएससी कहीं से भी सवाल बना सकती है। इस पार्क के नॉर्थ में काबनी रिवर बहती है और साउथ में मोयर रिवर बहती है, साथ ही साथ पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नुगु रिवर भी बहता है और इसी नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिए बिकॉज काफी छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, यूपीएससी कहीं से भी सवाल बना सकती है। आपका अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। आपका पहला स्टेटमेंट है, इट हैज बीन गिवन स्टेटस ऑफ स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सेकेंड स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ NTCA। थर्ड स्टेटमेंट है, इट कैन डिसअप्रूव द टाइगर कंजर्वेशन प्लान प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आपको बताना है कि NTCA के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, वो गलत इसलिए है बिकॉज NTCA तो स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है बट वह एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत है, तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो अगर पहला गलत होता है तो आप ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हैं।
अब आपको सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचना है, जो सेकंड आपका स्टेटमेंट है वो है प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ एनटीसीए, ये गलत है। जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं वो एनटीसीए के चेयरमैन होते हैं। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो आपका बी ऑप्शन भी गलत हो गया। जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है, इट कैन डिसअप्रूव द टाइगर कंजर्वेशन प्लान प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है। मतलब कि जो आपका आंसर है वो सी हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। ये काफी अच्छा सवाल है, इसके डिटेल और कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। इसका आंसर है सी। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच को यह कहा है कि भारत अफ्रीकन चीता को इंडिया में नाम्बिया से ट्रांसलोकेट करेगा और इसे रखा जाएगा नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसमें IUCN को किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसने भारत को ऐसा करने का परमिशन दे दिया है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के डिटेल को जानते हैं। इसे 2005 में बनाया गया था टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे और इसे स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वह एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं, साथ ही साथ इसमें 8 और मेंबर होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के और वेलफेयर ऑफ पीपल के, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसमें पार्लियामेंट से भी 3 मेंबर होते हैं, 1 राज्यसभा से होते हैं, 2 लोकसभा से होते हैं। और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के चेयरमैन होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यह जो बॉडी है भारत में टाइगर कंजर्वेशन के लिए पॉलिसी बनाती है और टाइगर को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसका सोल अथॉरिटी इसके अंदर होता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान है उसे भी यह प्रिपेयर करती है और जो स्टेट गवर्नमेंट अगर टाइगर कंजर्वेशन प्लान प्रिपेयर करता है तो बिना NTCA के अप्रूवल के वह पास नहीं होता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। यह सोल अथॉरिटी रखती है इस चीज में। साथ ही साथ जो टाइगर रिजर्व्स के आसपास के एरिया हैं अगर वहां माइनिंग एक्टिविटी और इंडस्ट्री एक्टिविटी हो रही है तो इसे यह रोक सकती है, इसके पास यह पावर है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत हर स्टेट के पास यह पावर है कि वह टाइगर रिजर्व को ऑथराइज कर सकता है, वह टाइगर रिजर्व बना सकता है, लेकिन उसे भी NTCA से पहले परमिशन लेना होगा, तो इसे आपको ध्यान रखना है। एवरी ईयर यह सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करता है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखती है। तो ये सारे फैक्ट इस बॉडी से रिलेटेड आपको ध्यान रखने हैं, किसी से भी UPSC सवाल बना सकती है। क्विकली हम चीता के बारे में जान लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुबातुस, तो इसे आपको ध्यान रखना है बिकॉज UPSC अब साइंटिफिक नेम से सवाल पूछने लग गई है, तो इस नाम को आपको ध्यान रखना है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीसीज है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसके जो एंसेस्टर हैं उन्हें 5 मिलियन ईयर पहले से ट्रैक किया जा सकता है मायोसिन एरा से, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह अपने एक्सीलेंट हंटर स्किल के लिए जाना जाता है। इंडिया में लास्ट बार चीता 1947 में छत्तीसगढ़ में देखा गया था, उसके बाद से नहीं देखा गया है। भारत ने इसे 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था। यह इसका इमेज है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। यह अपने दौड़ने के लिए काफी फेमस है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। आपको बताना है कि इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है इंडिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ OIC, दूसरा है द OIC हैज परमानेंट डेलीगेशन टू द यूनाइटेड नेशंस। आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में सही है। जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। तो अगर पहला गलत हो गया तो आपके ऑप्शन ए और सी एलिमिनेट हो गए। अब आपको सेकेंड के बारे में सोचना है, यूनाइटेड नेशन के साथ इसका परमानेंट डेलीगेशन है, तो ये सही है। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है ओनली 2। इसके डिटेल को देखते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि इंडिया को पहली बार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मीट में बुलाया गया है एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, तो ये काफी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। इसके पहले इंडिया को कभी भी इन्वाइट नहीं किया गया है और पाकिस्तान इंडिया के बीच जो टेंशन चल रहा है उस बीच में अगर इंडिया को इन्वाइट किया गया है तो इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में स्टैब्लिश किया गया था एज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इसमें 57 मेंबर स्टेट्स हैं। यह वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के बाद, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। ऐसा कहा जाता है ये स्टेट
मुस्लिम वर्ल्ड के कलेक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ मुस्लिम के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, उनके राइट को सेफ गार्ड करता है और इंटरनेशनल पीस और हार्मोनी को भी यह प्रमोट करता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके परमानेंट डेलीगेशंस यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन के साथ हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। मैप में आप देख सकते हैं जो भी ये ग्रीन कंट्रीज हैं ये इसके मेंबर हैं, ये जो रेड है इसे सस्पेंड कर दिया गया है इसके मेंबरशिप से, और जो ब्लू हैं ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। तो इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान रखिए, बिकॉज योर नेशन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इंडिया के डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे सवाल यूपीएससी बना सकती है। आपका अगला सवाल है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको बताना है कि सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर है गुजरात, या गुजरात के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसके डिटेल को समझते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि गुजरात सरकार के द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का सेकेंड एडिशन लॉन्च किया गया है। इसका एम यह है कि वाटर को कंजर्व किया जा सके, इसके लिए जो भी एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज हैं उन्हें डीपन किया जाता है मॉनसून आने से पहले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर को स्टोर किया जा सके और उन्हें स्कार्सिटी के समय में यूज किया जा सके। इसके लिए रिवर फ्रंट को भी क्लीन किया जाता है और जो भी इरीगेशन कनाल्स हैं उन्हें भी क्लीन किया जाता है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान रखिए। जो इसका पहला एडिशन था उसमें 16,616 वर्क को टारगेट किया गया था, लेकिन 18,220 वर्क कंप्लीट किए गए अपने टारगेट से ज़्यादा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान रखना है। उस समय गुजरात में जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी थी वो काफ़ी इंक्रीज हो गई थी, जिसे बाद में यूज किया गया, लोगों को उससे काफ़ी मदद मिली, और जो स्पेशली फार्मर्स हैं जिन्हें वाटर नहीं मिल पाता है मानसून से पहले जब काफ़ी गर्मी पड़ती है उस समय इसका यूज किया जाता है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूपीएससी से सवाल बना सकती है कि सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किस स्टेट का है, इसका क्या एम है, तो दोनों केसेस को आप ध्यान रखें। आपका अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चाबहार पोर्ट। पहला स्टेटमेंट है, चाबहार पोर्ट हैज बीन ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया ईरान एंड अफगानिस्तान। दूसरा स्टेटमेंट है, इट सर्व्स एज ईरान ओनली ओसेनिक पोर्ट। आपको बताना है कि चाबहार पोर्ट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, इसे तीनों कंट्री ने ज्वाइंटली डेवलप किया है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें ओनली वर्ड है। जनरली ओनली वर्ड वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वो गलत है, बट अनफॉर्चुनेटली ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस तरह से आपका ऑप्शन होता है सी, बोथ ए एंड टू। जब भी ओनली आए आपको रुकना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा गलत होगा, कभी कभी वह सही भी हो सकता है, जैसे इस केस में है। तो आपको ध्यान से पढ़ के आपको जजमेंट लेना है। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि अफगानिस्तान ने हाल ही में इंडिया के साथ एक्सपोर्ट शुरू किया है चाबहार पोर्ट के रास्ते से। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, उसको किसी भी सी का एक्सेस नहीं है। यह मैप में अफगानिस्तान आप देख सकते हैं, और बहुत दिनों से वहां वार भी चल रहा था, जिस कारण से उसकी इकोनॉमी काफी खराब है। इस तरह के एक्सपोर्ट से उसकी इकोनॉमी इंप्रूव हो सकती है। इंडिया ने काफी हेल्प किया है अफगानिस्तान को उसकी इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए। यह जो पोर्ट है इंडिया ईरान और अफगानिस्तान के हेल्दी कोऑपरेशन से बनाया गया है, साथ ही साथ यह पोर्ट गल्फ ऑफ ओमान में है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी स्टेटमेंट में से सवाल बना सकती है। और यह ईरान का ओनली ओसेनिक पोर्ट है, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। इस पोर्ट का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस यह है कि इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ ट्रेड कर सकता है, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर सकता है। पहले हमको इस रास्ते से जाना होता था इधर, लेकिन अब हम डायरेक्ट मुंबई पोर्ट से चाबहार पोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद पूरे सेंट्रल एशिया और यूरोप का हम एक्सेस ले सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप मैप में भी देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह कॉरिडोर है इंडिया के लिए। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो भी गेटवे हमें आसानी से मिल जाएगा इस पोर्ट की मदद से। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कहीं से भी यूपीएससी सवाल बना सकती है। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं और इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।